तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जिसे अगर आपने अपने लाइफ में फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी और उसके साथ साथ आप अपने लाइफ में रिच और वेल्दी भी बन जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी पूरी लाइफ दूसरों के काम करने में ही निकाल देते हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका बॉस या फिर जो कंपनी का ओनर है उसको अच्छे तरीके से पैसे मिल सके, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं टैक्स के थ्रू, वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और लोग बैंक के लिए काम करते हैं कुछ लोन लेके जिससे कि वो कुछ चीज़ को खरीद सके और बाद में उस पैसे को वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को चुकाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर है, वो कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को यही नहीं पता होता कि प्रोफेशन और बिजनेस के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। उन लोग अपने प्रोफेशन को ही बिजनेस समझते हैं। एक बार ऑथर एक आदमी से मिले, उस आदमी से ऑथर ने पूछा कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। उस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि वो एक बैंकर है। उसके बाद ऑथर पूछे कि क्या तुमने उस बैंक को खरीद लिया है, तो उस पर उसने जवाब दिया कि नहीं नहीं मैंने बस उस बैंक पर काम करता हूँ। ऑथर कहते हैं कि भले वो इंसान अपने लाइफ में प्रोफेशनली बैंकर ही क्यों ना हो, तो भी उसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए खुद का एक बिजनेस खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑथर के रिच डैड ऑथर से हमेशा एक बात कहते थे और वो बात थी माइंड योर ओन बिजनेस। और अगर आपको ये नहीं पता कि ऑथर के रिच डैड कौन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये हमारे चैनल में अपलोड हो चुकी है। इसमें बताया गया है कि रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो कि मिडिल क्लास और पुअर नहीं सिखा पाते। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक कंपनी ही खोले या स्टार्टअप करें। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब सिंपली ये है कि आप अपने एसेट कॉलम को और अच्छे तरीके से बिल्ड करें और अपने लाइफ में वेल्दी बने। मेजॉरिटी ऑफ केस में पुअर पीपल और मिडिल क्लास पीपल अपने लाइफ में रिच नहीं बन पाते। उसका एक बड़ा कारण ये है कि उन लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली लिटरेट या फिर फाइनेंशियल एजुकेटेड नहीं रहते। ऑथर खुद किसी को कंपनी खोलने की सलाह कभी भी नहीं देते, बस कहते हैं कि अगर आप जॉब करने वाले इंसान हो, यानी अगर आप एम्प्लॉय हो, तो आप पूरा डे टाइम पूरे दिन भर आप अच्छे तरीके से मेहनत करो उस कंपनी के लिए और अपना 100% एफर्ट लगाओ उस काम को करने के लिए, और उस जॉब को करके आने के बाद आप टाइम वेस्ट ना करें बल्कि उस समय में आप अपने एसेट्स कॉलम कॉल पे बिल्डअप करें, उसे इम्प्रूव करें और अपने लिए एसेट्स बनाने के नए नए तरीकों को ढूंढते रहे। ऑथर के हिसाब से एसेट्स है रियल स्टेट, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ वो कोई भी चीज़ जिसमें आपका टाइम कम से कम लगे या फिर आपके टाइम की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े तो भी आपको पैसे मिलते रहे, आपकी वेल्थ बढ़ते रहे, जिस चीज़ से आपकी लाइफ में हमेशा फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहे, ऑथर के हिसाब से वो चीज़ एसेट्स है। रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में सबसे मेन और बेसिक डिफरेंस ये होता है कि रिच पीपल अपने एसेट्स को बढ़ाते हैं जबकि पुअर पीपल अपने लाइबिलिटीज़ को ही बढ़ाते रहते हैं। एक और मेन डिफरेंस जो कि रिच पीपल और पुअर पीपल को डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि पुअर पीपल सबसे पहले अपनी लग्जरी पे ध्यान देता है, उसके बाद ही वो स्टॉक जो कि एक एसेट है उसको या तो वो खरीदता है और कहीं तो खरीदते ही नहीं है, जबकि रिच पीपल सबसे पहले एसेट पे ध्यान देते हैं, उन पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनसे वो अपनी लग्जरीज खरीदते हैं जैसे कि कार हो गया, घर हो गया और बहुत सारी लग्जरी की चीज़ें। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो सेव मत करो जो कि खर्च करने के बाद बचा है, बल्कि वो खर्च करो जो कि सेव करने के बाद बचा है। ये वॉरेन बफेट की मोस्ट पॉपुलर लाइन है। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो, फाइनेंशियली लिटरेट हो, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी जिसे यूज़ करके आप अपने लाइफ में वेल्दी बन सकते हो, रिच बन सकते हो। ऑथर की फिलॉसफी ये थी कि वो अपने एसेट कॉलम में सीड को बोते थे, यानी कि छोटे इन्वेस्टमेंट करते थे और उसके बाद इंतज़ार करते थे, और जब वो सीड फाइनली ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑथर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आपको लाइफ में फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर वन, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल लिटरेसी है या फिर एक एबिलिटी है नंबर्स को रीड करने की, और ये आपकी हेल्प करती है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नंबर टू है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग साइंस है मनी मेकिंग के लिए, यानी द साइंस ऑफ मनी मेकिंग इन्वेस्टिंग है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग एक गैम्बलिंग है, लेकिन ये गैम्बलिंग सिर्फ तब है जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो और फिर प्रे कर रहे हो उसको बिना सोचे समझे। नंबर थ्री, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। इसमें आपको मार्केट को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को, उनके सप्लाई और डिमांड को। नंबर फोर, अंडरस्टैंडिंग द लॉ। इसमें आपको लॉ को समझना पड़ेगा, आपको टैक्स की क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज इसको जानना पड़ेगा,
और गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स को समझना पड़ेगा। बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद एक गेम बनाई है जिसका नाम कैश फ्लो गेम है। इसे अगर आप खेलोगे तो आपको बैलेंस शीट पढ़ना आ जाएगा और इससे आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यह आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और इस गेम को आप www.richdad.com में जाकर फ्री में खेल सकते हैं। और आखिरी में वो दो प्रिंसिपल जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने लाइफ में रिच बनने की, वो है फर्स्ट माइंड योर ओन बिजनेस और नंबर टू है फाइनेंशियल एजुकेशन। इन दोनों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको रिच बनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये जानना है कि ऑथर के रिच डैड कौन है तो आप बीच वाली वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हो।